जो तो गल आस्ट्रेलिया दी आंदी है, स्टूडेंट से ज़्यादा सवाल जीटी नू लैके रहिंदे ने कि साडी जीटी क्लियर होण नू बहुत टाइम लग रहा है, किन्नी वेट करिए। पर एक सवाल होर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जेकर जीटी क्लियर हो जाए तो पक्का मान लिया जाए कि आस्ट्रेलिया का वीज़ा लगेगा, या फिर जीटी क्लीयर होने तो बाद भी बहुत सारिया गलों का ध्यान तुहानू जरूर रखना चाहिए। सो अज की इस वीडियो में बहुत कुछ अजिहियां गल्लां खास रहने वाली ने जिसका ज़्यादातर स्टूडेंट्स नू पता ही नहीं हुंदा, तो सवाल बहुत सारे हुंदे ने। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिआं दा, मैं हाँ हरजोत कौर, तो अज आस्ट्रेलिया लैके सारी खास इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे ने फ्रंटियर इमीग्रेशन तो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर कीर्ति जैन साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो कीर्ति, जो मैं शुरुआत विच गल कीती है, हालांकि मैं ये सवाल भी जरूर रखांगी कि किन्नी देर स्टूडेंट्स जी टी लई वेट करन क्लीयर होने की, पर बहुत वड्डी एक गल है कि जी टी ई क्लीयर होने नू की मान लिया जाए, वीज़ा पक्का लगेगा ही लगेगा या फिर उस तो बाद भी कई तरह के चैलेंजेस होंगे ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यस, जी टी एक बहुत वड्डा फैक्टर है अपना ऑस्ट्रेलिया की, आप जो गल करते हैं वीज़ा लैन लई, क्योंकि जो अपनी जी टी क्लीयर होगी तो साड़ी सी ओ ही आऊगी, दैन असी कितने ना कितने अपनी एम्बेसी विच फाइल ला सकते हैं। पहली गल तो मैं पहला क्वेश्चन थोड़ा क्लीयर करूँगी कि जी टी किन्ने टाइम तक असी वेट कर सकते हैं जी। सो कोई भी यूनिवर्सिटी होते अप टू 6 मंथ्स तक का टाइम लै सकती है, कई की जी टी 15 दिन में भी क्लीयर हो जाती है, 3 महीने भी लग जाते हैं। सो मैक्सीम 6 मंथ्स तक का तो नॉर्मल प्रोसैस होंगे ही होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। बट हाँ, जे आप गल करिए कि जी टी क्लीयर होने तो बाद कि ये श्योर है कि बच्चा ये मान ले कि वीज़ा आजूगा, सो नहीं, क्योंकि जी टी का जो क्राइटेरिया कित ना कि यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि सी ओ ई एक बहुत मेजर डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है, जो आप कल एम्बेसी में फाइल लैनी है या वीज़ा लैना है। बट जी टी क्लीयरेंस का मतलब आ नहीं है कि थोड़ा वीज़ा आई जाऊगा, क्योंकि जी टी तो बाद ही जो अपनी क्लीयर हो जाती है यूनिवर्सिटी साढ़े तो रिक्वेस्ट करती है कि असी अपनी फीस पे करिए, सो दैट कि उन्होंने जो फॉर्मैलिटीज कंप्लीट होगी तो सी ओ ई रिलीज़ करते हैं। बट कई बार जो असी बच्चा जोड़ा है वो जी टी लिए वेट भी करता है 2 महीने 3 महीने, जी टी क्लीयरेंस तो बाद भी कई बार यूनिवर्सिटी सी ओ ई देने को भी मना कर देती है, जो कि मेजर डॉक्यूमेंट है जो आप एम्बेसी में फाइल लानी है। क्योंकि जी टी की जी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो कॉलेज टू कॉलेज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, बट कई बार बच्चे के जोड़े बैंड होंगे एक मॉड्यूल कट होंगे हैं, सो कई बार जी टी अपनी क्लीयर हो जाती है, बट सी ओ ई लई यूनिवर्सिटी कई बार एलिजिबल नहीं करती। मेनली ये केसिस होंगे जो तो बच्चा डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम्स लेंदा है, क्योंकि या फिर वह जो कॉलेज है कॉलेज टू यूनिवर्सिटी वो चेंज कर रहा है, सो उत्थे कई बार कॉलेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी है तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहती है, तो कई बार यूनिवर्सिटी साड़ी जी है वो सी ओ ई मना कर देती है। सो इन शॉर्ट, जी टी क्लीयरेंस का मतलब ये नहीं है कि तुहाडा वीज़ा आ जाऊगा, क्योंकि जो कल एम्बेसी ने वीज़ा देना है या यूनिवर्सिटी ने तुहानू सी ओ ई देनी है, तो दोनों की जिहड़ी रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है, तो वो पूरी करना भी जरूरी है। सो मेक श्योर जिहड़ी भी डॉक्यूमेंट तुसी ला रहे हो, भावें फाइनैंशियल हो गए, तुहाडे एकेडेमिक्स हो गए, आईएलटीएस या पीटी दा स्कोर कार्ड हो गया, तो होर भी जिहड़ी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपरली जेन्युइन होन, कोई भी बोगस डॉक्यूमेंट तुहाडा नहीं होना चाहिए है, तो जिहड़े साडे फंड्स है जिहड़े असीं शो करते हैं कल लिविंग एक्सपेंस लई, सो वो प्रॉपरली रिक्वायर्ड जिन्हें रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो तुसी शो करते हो, सो ये बहुत सारी चीज़ें ने जिहड़ी मैटर कर दी कल वीज़ा लैन लई। जी जी बिल्कुल। सो जरूर स्टूडेंट्स उन्होंने सारी गलों का ही ध्यान जरूर रखना चाहिए। सो कीर्ति, इतने मैं जरूर गल करना चाहूँगी कि जिवें असी देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कॉल्स भी इंटरव्यू कॉल्स भी आ रही ने वेरीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो, हालांकि कुछ सैकेंड्स की कॉल कही जा रही है, पर इतने स्टूडेंट्स कि गलों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और किस तरह की तैयारी किस तरह के अवेयर उन्होंने होना चाहिए, कि गलों का उन्होंने पता होना चाहिए ता कि जेकर उन्होंने भी कॉल आती है किसी तरह वेरीफिकेशन के लिए तो राइट आंसर दे सकन। बिल्कुल, इंटरव्यू डिफरेंट स्टेज से आ सकते हैं, कई बार बच्चे ऑफर लैटर लैन लई भी यूनिवर्सिटी वालों इंटरव्यू आ सकती है, कई बार जो बच्चे की फाइल एम्बेसी के होंगी है तो इंटरव्यू आ सकती है। सो सब तो पहले तो मेरी बच्चे लिए यही सजेशन कि जो भी तुम यूनिवर्सिटी के आस्ट्रेलिया के अपना ऑफर लैटर अपलाई किया है, सो मेक श्योर तुम अब मैंटली प्रिपेयर रहना इस चीज़ का, जरूरी नहीं है इंटरव्यू आए बट देर आर चांसिस, सो जो आप चांसिस की गल करते हैं तो वो चीज़ हो भी सकती है, सो जे तुम वो मैंटली प्रिपेयर होंगे प्रिपरेशन करके रखोगे तो थोड़े लिए कितने कितनी ईजी हो जाऊगा। कई बच्चे बहुत ज़्यादा फोबिया रहता है कि इंटरव्यू आऊगी पता नहीं किदा की होगी, मैं आंसर कर पावगा या नहीं कर पाऊँगा,
बट जे तुहानू जिहड़े भी यूनिवर्सिटी दे विच तुसीं अप्लाई कीता है उहदे कोर्स बारे, यूनिवर्सिटी बारे, उहनां दे बैकग्राउंड बारे, अपने बारे, फाइनैंशियल अपना जिहड़ा फैमिली बैकग्राउंड है उहनां बारे प्रॉपरली नॉलेज हैगी है, तां इंटरव्यू देना तुहाडे लई कोई भी वड्डी गल नहीं होगी। ते कई वारी सानू नॉलेज सारे कुछ हुंदी है बट अपना जिहड़ा सैल्फ कॉन्फिडेंस होता है बहुत डाउन हुंदा है, जिहदे करके भी अपनी जिहड़ी इंटरव्यू रिजैक्ट हो जाती है। सो मेक श्योर जदों भी तुहानू तुसीं अप्लाई कर चुके हो या करन वाले भी हो ते प्रिपेयर कर रहे हो कि किसी भी कारण करके ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਐਕੂਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਦ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਟੀ ਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟ ਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਪ ਟੂ 6 ਮੰਥਸ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 22 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਟੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੇਸ ਵਿਦਡਰੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਦਡਰੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 6 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਚਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਲੈ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਐਟ ਦੈਨ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਤੋਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਟੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਬੈਕਅਪ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ 22 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 23 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, 22 ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਏ ਰੂਲ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
विश्वास करना जरूरी है, अंधविश्वास कदे भी सही नहीं जाता। सो मेक श्योर जे तुसी किते अप्लाई किया है, मेक श्योर ओदे बारे तुहानू पता होना बहुत जरूरी है, एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट टाइप्स होना बहुत जरूरी है, एंड दैन बैकअप ऑप्शन तुसी हमेशा ही अपने कोल रखने हैं, क्योंकि जे बैकअप प्लान लेके चलूंगे तो तुसी किते भी मार नहीं खाओगे। अज उस बच्चे ने होर जगह ऑफ लैटर अप्लाई किया होंदा, सो शायद ओदा साल वेस्ट ना जाता, तो किते ना किते शायद ओदी एम्बेसी विच फाइल लगी होंदी है, रिजल्ट दी वेट कर रहा होंदा। सो मेक श्योर तुसी किते भी अप्लाई कर दो, ऑप्शनस लैके चलो, एलिजिबिलिटी फैक्टर नू काउंट करके चलो, तो जी टी जे थोड़ी एक यूनिवर्सिटी विच क्लीयर हो भी गई है तो श्योरिटी नहीं है कि वीज़ा आऊगा, क्योंकि सी ओ ई लई भी यूनिवर्सिटी की अपनी टर्म्स है, एम्बेसी ने सिर्फ एकेडेमिक्स वेख के तुहानू वीज़ा नहीं देना है, होर भी बहुत फैक्टर्स ने जिहड़े मैटर करते हैं, तो ही असी एजेंट को फाइल लाने जाते हैं। जो अपनी जी टी ते ही वीज़ा आ जाते तो शायद किसी भी एजेंट की लोड़ नहीं पेगी। सो मेक श्योर ये फैक्टर्स का तुम ध्यान रखोगे तो तुहाडे लई वीज़ा लेना बहुत सौखा होगा। सो हमेशा ही कहनी अधूरी नॉलेज हमेशा ही डेंजरस होंगी, तो कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो मैं अपने वीडियो के थ्रू भी तुम्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। सो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स बहुत सारे सवालों के जवाब अज एक बार फिर तो तुम्हें इस वीडियो के जरिए मिले होंगे, तो बहुत बहुत थैंक्स कीर्ति, तुम जी टी को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स क्लीयर किए हैं, जो भी कन्फ्यूजन से स्टूडेंट्स से क्लीयर जरूर हुई होगी। बाकी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, कमेंट सैक्शन में भी अपने सवाल तुम जरूर रख सकते हो, अगों भी असं तुहाडे लई होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल नहीं दो जी इजाजत, धन्यवाद। थैंक यू।